स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम छत पर बागवानी में। अपने छत पर बागवानी प्रोग्राम के लास्ट एपिसोड में हमने आपको बताया था कि पेंजिंग को बनाने के लिए कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जिनका इस्तेमाल करना है और आपने उनका सिलेक्शन किस तरह से करना है। अलग अलग स्टोन्स के अलग अलग करेक्टर्स जो हैं, आप उनको लेते हुए अपने इस पेंजिंग को क्रिएट कर सकते हैं। अभी मेरे सामने कुछ रॉक्स हैं, ये 4 या 5 तरीके के अलग अलग रॉक्स हैं, क्योंकि जितने रॉक्स हैं ये नेचुरल सोर्स के बने हुए हैं। आपके पास सामने कई तरह के यहाँ पे सैंपल्स रखे हुए हैं, एग्जांपल्स हैं, जिसमें आप ट्रेस को बना सकते हैं। अपनी पेंजिंग को और खूबसूरत और उसको इन्हांस करने के लिए ये फिगरीन्स यूज़ करते हैं। जो आपने आर्ट बनाया है उसमें एक लाइफ फॉर्म ऐड हो जाता है। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि उन मटेरियल का यूज़ किस तरह से आप कर सकते हैं पेंजिंग को बनाने में। तो फिर आइए इसके बारे में जानकारी लें। पेंजिंग बनाते वक्त एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपका प्लांट जो आप पेंजिंग में यूज़ कर रहे हैं वो एटलीस्ट 80% रेडी हो, कम्प्लीटली रेडी हो, या 80% उसको रेडी भी किया हो। आपके सामने जो ये पेड़ रखे हुए हैं इस वक्त, ये तकरीबन 80% तैयार हैं। इनके बाद हम इनकी सिलेक्शंस के हिसाब से, पेड़ों की चयन के हिसाब से हम अपना लैंडस्केप क्रिएट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए, आप अगर फॉरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके पेड़ सीधे लंबे खड़े होने चाहिए। कुछ पेड़ आप ग्रुप झुंड में भी बना सकते हैं। अब आपके फॉरेस्ट के लिए ये प्लांट है जो आपके सामने रखा हुआ है, ये दीवी वैरायटी का प्लांट है और ये सीधे खड़े हैं। इसमें ग्रुप प्लांटिंग 4, 5, 6, 7 पेड़ों का एक आप ग्रुप बना के बहुत अच्छा सा लैंडस्केप क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले की बात है कि आप अपने पेड़ों को पूरी तरह तैयार कर लें लैंडस्केप के हिसाब से, उनकी कटिंग और उनकी छटाई पूरी तरीके से आप तैयार कर लें। जो आपकी एक्सेस उसकी कटिंग है उनको आप काट के उसको एक डी शेप जो है उसको एक शेप फॉर्म में ले आएं, ताकि आपका पेड़ दिखाई दे कि जिस कंडीशंस में आपने उसको लगाना है। अब आप ये देखिएगा जिस तरीके से हम काट के इसको शेप तैयार कर रहे हैं। उसके बाद जब आप इसको फिक्स करेंगे लैंडस्केप के साथ, फिर इसकी कटिंग होगी, ताकि फिर अभी तो आपने एक स्ट्रक्चरल शेप इसको दे दिया पेड़ का। फिर उसके बाद आप जिस प्लेटफॉर्म में, इसे फॉरेस्ट में लगा रहे हैं, ये आपका मेन प्लांट है, इसके साथ सिमेट्रीज में जो और पेड़ आएंगे उसके हिसाब से इसकी कटिंग और होती चली जाएगी। अब इसके साथ आप छोटे पेड़ का ग्रुप लगा सकते हैं, इनकी तैयारी आप कर सकते हैं। मैं काट इसलिए रहा हूँ ताकि आपको लगाते वक्त उसको चयन कर सकते हैं, एक शेप दे सकें। अभी ये पेड़ आप देख रहे हैं दीवी का, ये छोटे पतले पेड़ हैं जो हम लोग ग्रुप प्लांटिंग के साथ, फॉरेस्ट के साथ क्रिएट कर सकते हैं। ये अभी डी शेप है, इनकी छोटी सी कटिंग करके आप इनको एक शेप दे देंगे। उसके बाद ये पेड़ आपके साथ जब आप लगा रहे हैं, अपने फॉर्मेशंस बना रहे हैं, उसके साथ साथ भी ये ग्रो होता रहेगा। आपको इसको कंटिन्यूएशन में इसकी प्रूनिंग और शेपिंग कर सकते हैं। अब आप देखिए कटने के बाद इस पेड़ में इसकी एक शेपिंग थोड़ी सी दिखाई देने लग जाती है। लगाने के बाद जब इसे करेंगे फिर ये ग्रो होगा, फिर ये कंटिन्यूस प्रोसेस आपका चलता रहेगा, ताकि एक समय के बाद आप देखेंगे कि आपका जो चित्र है, जो आप बनाना चाहते हैं फॉरेस्ट, वो पूरा एक कंपोज आपको दिखाई देने लगेगा। अब आपके पास, अगर आपको ट्री पेंजिंग बनाना है तो आपके पास ये चॉइसेस हैं। पेड़ आपके पहले से ही तैयार हैं। आपके सामने ये जो पेड़ रखा हुआ है ये आपका वुड एप्पल है, उसके साथ वाला है एरोकेरिया ड्रॉफ, सामने ये जो रखा हुआ है दिस इज़ चाइनीज़ एलम, ये है वैक्स माइल पाइजिया। ये जो वैरायटीज़ जो हैं पेड़ों की, वो छोटी पत्ती की वैरायटीज़ के पेड़ हैं। पेंजिंग में, बोनसाई में, जो भी आप ट्रीज़ यूज़ करते हैं, बेशक कोशिश करें छोटी प्रजाति के पत्ते वाले पेड़ों का ही चयन करें। रीज़न ये है कि छोटी पत्तियों का, कि उसमें आपका पेड़ों के जो डिटेल वर्क है, जो आप उसमें काम कर रहे हैं, जो उसके पेड़ों की लेफ्ट ब्रांचेज, राइट ब्रांचेज, जो उसका फ्लो है, जो वायरिंग करने के बाद आप उसको दर्शाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें, डिटेल चीज़ें, पेड़ों का जो स्ट्रक्चर है वो आप छोटी पत्ती में बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। मेरा जितने नए आर्टिस्ट हैं, बोनसाई आर्टिस्ट हैं, जो नए कमर्स हैं, अपकमर्स स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये चयन है कि वो अपने एरिया में, जिस प्रांत में जो जिस पेड़ प्रजातियां पाई जाती हैं, उसमें आप छोटी पत्ती का सिलेक्शंस करें और आगे बोनसाई आर्ट में ये आपके बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। अब आपको मैं एक और प्रजाति बताऊँगा जो कि आप रॉक पेंजिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सेरेसा है। रॉक पेंजिंग में एक ख़ास बात आप यह ध्यान रखिएगा, जिसमें आपका रॉक डोमिनेटेड होता है, आपको छोटे प्रजातियों के पेड़ों को उसमें चयन करना होता है।
क्योंकि उसमें आप बड़े पहाड़ों में छोटे छोटे पेड़ दिखाते हैं। उसके लिए ये पेड़ है सिरिसा, ये इंडोर में बहुत अच्छी चलती है। इंडोर का तात्पर्य ये है कि बरांडे में आप इसको रखें जहाँ पे डे लाइट की प्रेजेंस हो, सुबह की एक दो घंटे की धूप हो और एरिया ठंडा हो, छाया रहती हो, वहाँ ये प्रजातियाँ बहुत अच्छी चलती हैं। इसमें भी आप देखेंगे छोटे छोटे इसके पत्ते हैं और इसका रूट्स का जो स्ट्रक्चर है वो कितना डिटेल है, इसमें आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। छोटे पत्तों का चयन, पौधों का चयन आप रॉक पेंजिंग में कर सकते हैं। छोटी पत्ती की एक वैरायटी जूनिपर्स भी है, जूनिपर्स प्रोस्टेटा, जो आप रॉक पेंजिंग में यूज़ कर सकते हैं। इनको आप छोटे छोटे पहाड़ों में, अलग अलग छोटे छोटे जगहों में इनको फिक्स करके, इनको वायरिंग करके आप इसको दर्शा सकते हैं। आप अगर अपने यहाँ से इसको बनाते हैं रॉक्स के साथ, ये चीज़ें जो प्रजातियाँ हैं बहुत अच्छी चलती हैं। इनका जड़ों का जो स्ट्रक्चर का फ्लो है, ये धीरे कम मिट्टी में छोटे छोटे कणों पत्थरों में से इनकी जड़ें जाती हुई ये ग्रो होती हैं। प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए छत पर बागवानी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। तो फिर आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। एक बोनसाई आर्टिस्ट का सॉइल मिक्सिंग का प्रिपरेशन अलग है। आप किसी आर्टिस्ट के सॉइल मिक्सिंग का कंपेयर दूसरे आर्टिस्ट से ना करें। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि एक रेसिपी है आलू मटर की सब्जी बनाने की। अगर आप 10 आदमियों को देंगे, रेसिपी एक वही है, मसाले वही ढलने हैं, पर हर एक सब्जी का टेस्ट अलग अलग आएगा। किसी ने नमक कम रखा है, किसी ने मिर्च ज़्यादा रखा है, किसी ने गर्म मसाले अलग ढाले हैं। ठीक उसी हिसाब से ये सॉइल प्रिपरेशंस भी है। हर आर्टिस्ट का तजुर्बा अपने प्लांट्स के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से, उसका मिट्टी का चयन अलग हो जाता है, उसका कंपोजिशन अलग हो जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको बोन मील के बारे में बताता हूँ। बोन मील जो है ये हड्डियों का चूरा है। अलग अलग जानवरों का हड्डियों का चूरा मार्केट में इजीली अवेलेबल है और जो कि बहुत उपजाऊ है आपके पेड़ों के लिए। हम बोन मील का यूज़ क्यों करते हैं? ज़मीन में जो आप पेड़ देखते हैं, आप वो देखते हैं कि कुछ हमेशा हरे भरे रहते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें ज़मीन के अंदर काफ़ी नीचे तक चली जाती हैं और ज़मीन के अंदर उनको बहुत सारी न्यूट्रिशंस, खनिज पदार्थ बाय नेचुरल फोर्स में मिल जाती हैं। जड़ें वहाँ नीचे पानी के स्रोत तक जाके ज़मीनों में से खनिज पदार्थ निकाल के अपने लिए जो उसको डाइट होती है वो वहीं जड़ों से वो खींच लेती है। हमारे ज़मीन के अंदर बहुत साल पहले के पुराने फॉसिल्स पाए जाते हैं जो कि एक डेड एनिमल्स की हड्डियों से बनता है। उस मात्रा को पूरी करने के लिए हम अपने पौधों में इस बोन मील का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उस प्लांट्स को जो हम एक गमले में लगा रहे हैं प्रॉपर डाइट मिल सके, प्रॉपर ग्रोथ मिल सके। हम जो सॉइल मिक्सिंग बना रहे हैं उसमें हमारे पार्ट्स में आप लेके चलेंगे, सबसे एक पार्ट है हमारा नीम खल। नीम खल जो है ये नेचुरल सारी चीज़ें हैं, नीम को सड़ा के उसमें से चूरा बना के उसमें से जो ये बनाया गया ये उसका नीम खल है। इसकी विशेषता ये है कि अगर ये आप ज़मीन में देते हैं तो ये सबसे पहले
जो आपके ज़मीन में, मिट्टी में, खाद में जो कीड़े हैं, कीटनाशक का काम करता है नेचुरल सोर्सेस पे, और ये प्लांट्स को हरा भरा रखने में बहुत मदद करता है। उसके बाद है दूसरी चीज़, गोबर की खाद। आज हम लोग तकरीबन अपने प्लांट्स में गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले ओखला की खाद आती थी, वो काफ़ी गर्म होती थी, जिसको हमने धीरे धीरे बोनसाई आर्टिस्टों ने अपने कॉम्पोजिशन में मिलाने से अलग करते चले गए। अब हम लोग गोबर की खाद को अच्छी तरह सड़ा लेते हैं, ताकि 2-3 साल उसको अच्छी तरह से डीकम्पोज करने के बाद वो एक मिट्टी के फॉर्म में बन जाती है, उसको आप यूज़ करें। ताज़ी गोबर की खाद को आप अपने खाद में ना मिलाएं, क्योंकि उसमें सबसे पहले दीमक लगने का डर रहता है। अगर वो दीमक लग जाएगी, वो आपके पेड़ों को भी खा जाएगी। इसलिए जो खाद पूरी तरह से सड़ जाती है, 2 साल से डिकम्पोज होकर मिट्टी बन जाती है, उसमें इन चीज़ों का होना बहुत ही कम पाया जाता है। उसके बाद है तीसरी चीज़ जो आजकल बहुत अच्छी चल रही है, जो है वर्मी कम्पोस्ट। वर्मी कम्पोस्ट जो है, आप ये देखेंगे किस तरह की, ये एक उपजाऊ मिट्टी है जो कि मिट्टी के फॉर्म में बनी हुई, जो कि हमारी किचन वेस्ट से जितना भी सामान निकलता है, फल सब्जी और उनके छिलकों से जो बनाया गया जो खाद है, उसको आज हम लोग वर्मी कम्पोस्ट के नाम मार्केट में मिलती है। वर्मी कम्पोस्ट पेड़ों के लिए बहुत अच्छी है, और इसमें जो है कि हर तरीके के न्यूट्रिशंस, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स जो हमारे शरीर में चाहिए होता है हमारे ग्रोथ करने के लिए, ठीक वही कार्बोहाइड्रेट्स मिनरल्स हमें अपने प्लांट्स को भी देना पड़ता है टाइम टू टाइम फीड करने के लिए, ताकि वो उपजाऊ हो सके, हरे भरे रह सकें। चौथी मेन पार्ट है जो हमारा ग्राउंड सॉइल है, जो ज़मीनी मिट्टी है। आप ये देखेंगे कि ये पीली चिकनी मिट्टी है, इसको हम अपने सॉइल में, कॉम्पोजिशंस में इस्तेमाल करते हैं। कम से कम मेन पार्ट हमारा इन खादों का कम्पोजिशन रहता है। आप ये देखेंगे एक पैकेट यहाँ पे है प्लांट बूस्टर्स, जो हमारा सॉइल बनने के बाद तैयार हुआ है, उसका जो 100% किस क्वालिटी का बनेगा, उसका ये एक पैकेट दिखाया गया है हम लोगों ने प्लांट बूस्टर्स के नाम से। प्लांट बूस्टर इसलिए है क्योंकि ये सॉइल में एक बूस्टर का काम करता है, और प्लांट्स को इन्हांस करता है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, फ्लावरिंग के लिए मदद करता है। सॉइल कम्पोजिशन का परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप नीम खल का 15% लेंगे, बोन मील का 15% लेंगे, गोबर की खाद 30%, वर्मी कम्पोज 30%, और मिट्टी, ज़मीनी मिट्टी, ग्राउंड मिट्टी, वो जो है 20% लेंगे। सबसे पहले आप 1.5 कटोरी बोन मील को आप भर लें और अपने मिक्सचर में मिला लें। 1.5 कटोरी बोन मील, उसके बाद आप 1.5 कटोरी नीम की खल मिला लें। आधी कटोरी फिर से भर लें, 1.5 कटोरी नीम खल, इसमें आप 3 कटोरी गोबर की खाद मिला दें, 1 कटोरी, 2 कटोरी और 3 कटोरी। 3 कटोरी गोबर की खाद मिलाने के बाद इसमें 3 कटोरी आप वर्मी कम्पोज, आपने वर्मी कम्पोज 3 कटोरी मिला लेनी है, 1 कटोरी, 2 कटोरी, 3 कटोरी। इसके बाद आपकी मिट्टी रह गई, मिट्टी को आप 2 कटोरी भर के अपनी बनी हुई खाद का मिक्सचर में आप मिला लें, 2 कटोरी आप इसमें मिट्टी मिला लें। अब आपकी खाद तैयार है, अब इसको आप मिला लें और इसको थोड़ा 1 या 2 दिन हवा में इसको सूखने दें। जब ये आपकी बन जाएगी, सूखने की वजह से कई बार हम लोग उसे छोड़ देते हैं, अगर हमारी गोबर की खाद गीली है तो हम इसे थोड़ा सा सूखने देते हैं, ताकि इसमें से जो रासायनिक चीज़ें हैं वो हवा में निकल जाएँ और ये बिल्कुल स्वस्थ बन जाए। अब आप जो 5 तत्व आपके मिल जाने के बाद, आपकी मिट्टी का रंग तकरीबन इस तरीके का काले सा हो आएगा। आप इसको फिर आप पानी के साथ देते रहेंगे, जैसे पौधों के साथ जाएगा, इसमें से जो बाकी जो मिनरल्स आपने मिलाए हुए हैं, नीम खल, बोन मील, वो घुलने के बाद और ज़्यादा कालापन मिट्टी में आएगा, जो कि एक उपजाऊ मिट्टी की पहचान है। और उसके बाद आपकी ये खाद जो है, हल्का सा पानी का छींटा मार के, नमी बना के आप इसको पौधों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोग्राम में टाइम हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस कुछ और जानकारियों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ।
उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 और 7:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। आइए जानते हैं कुछ और ऐसी बारीकियों को जो कि पेंजिंग को और क्रिएटिवली बनाने में आपकी हेल्प कर सकें। अब मैं आपको वर्टिकल पेंजिंग किस तरीके से बनाया जाता है उसका आपको मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आप ये देखिएगा, ये एक वर्टिकल स्लैब है जिसमें हम छोटे छोटे पत्थर लगा के एक सुंदर सा लैंडस्केप क्रिएट करेंगे। हमें इस स्लैब को नीचे ज़मीन पे हॉरिजॉन्टल वे में बिठा के फिर इस पे पत्थर लगा के फिर हमें इसे क्रिएट करना पड़ेगा। किस हिसाब से आप जो चीज़ चित्र बनाना चाहते हैं इसमें, उसका आपका इमेजिनेशन आपके दिमाग में होना चाहिए, या जो आपने सोच रखा है कि मुझे इस तरीके का चीज़ बनानी है, उसके हिसाब से आप उसके पत्थर का चयन करेंगे। ट्रे के साइज़ के हिसाब से पत्थरों का सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आप जो इस कैरेक्टर को बनाना चाहते हैं, सपोज़ आपने ये पत्थर लिया, इसको आप इस तरीके से अपने ट्रे में रखेंगे, फिर उसके साथ आप दूसरे पत्थर का चयन करेंगे, उसकी फिक्सिंग देखेंगे कैसे रखेंगे, इस तरीके से आप इसे फिक्स करेंगे। तीसरा जो आप पत्थर आपने लेना है उसको आपने कहाँ रखना है उस हिसाब से उसका आकृति बनाएंगे, फिर आप उसको देखेंगे कि मैं इसे और आगे किस तरीके से बना सकता हूँ। ऐसे अलग अलग पत्थरों को लेके, अलग अलग स्टोन्स या कैरेक्टर्स को ढूंढ के आप इस कैरेक्टर्स को क्रिएट करेंगे। छोटे पत्थरों को लेके आप उसके दूर के दृश्य को दर्शा सकते हैं, जिस तरीके से हम लोग यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। इस तरीके से आपका एक ये एंगल बनता जाएगा और पत्थर को लगाने के लिए आपको एक अनुकूल पत्थर को ढूंढना पड़ेगा आपके हिसाब से, ताकि आपका करेक्टर जो चीज़ आप बनाना चाहते हैं उसमें वो चयन रखें। ये एक बेसिक आपका तैयार हुआ हुआ है, इसको आप ड्रॉ कर लें पेंसिल से, ताकि बाद में पत्थर लगाते वक्त आपका वो शेप बनी रहे। ड्रॉ इसलिए कर लेते हैं क्योंकि जब आप इसकी फर्श से इसको, अभी आपने ये पत्थर हटा लिया, इसके नीचे बेशक आप अपने चिन्ह के हिसाब से नंबर लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 कोई भी मार्किंग कर सकते हैं, मैंने इसमें एक नंबर लिख लिया, और जहाँ से ये पत्थर उठाया था आपने उसको ड्रॉ करके वहाँ आपने एक नंबर लिख लिया, तो ये एक आपको आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी कि आपका ये पत्थर यहाँ का है और आपने इस तरीके से इसको रखा था। अब उन स्ट्रे पे जो निशान है पत्थरों को हटा के, उन निशानों को आपको पावर टूल से घिस दीजिएगा ताकि पत्थर की पकड़ मजबूत हो सके। पावर टूल्स का इस्तेमाल करने से पहले आप गॉगल्स ज़रूर पहन लीजिएगा, चश्मा ले लीजिएगा, ताकि कोई छोटा कण आपकी आँख में ना लगे। इसी तरीके से जो पत्थर है उसको भी आप घिस लीजिएगा। अब पत्थरों को चिपकाने के लिए आपको व्हाइट सीमेंट का प्रयोग करें। व्हाइट सीमेंट को आप रख के उसमें हल्का सा रंग मिला लें, रंग आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएगा। आप रंग मिलाने की वही कोशिश करें कि जो आपका नेचुरल स्टोन का कलर है उस कलर का आप उसमें रंग मिलाएं, ताकि आपके जोड़ जाके दिखाई ना दें। पाउडर कलर मिलाने के बाद आप सीमेंट को अच्छी तरह से फैला लें ताकि रंग उसके अंदर घुल जाए। उसके बाद आप पानी
अनुपात मात्रा के हिसाब से उसमें मिलाते जाएं ताकि सीमेंट आपका तैयार हो जाए। थोड़ा सा पानी मिलाएं, फिर उसको अच्छी तरह से मिला लें, फिर उसमें थोड़ा सा और पानी मिलाएं, और ताकि आखिर तक आपका ये सीमेंट जो है पूरा तैयार हो जाए। आप उसको मिलाते जाइएगा और इसको हिलाते जाइएगा। अब एक टाइम में आप देखेंगे आपका सीमेंट है जो आटा के पेस्ट की तरह तैयार हो जाएगा। फिर आपको जिस हिसाब से चाहिए आप उस हिसाब से उसको पत्थरों को जोड़कर बैक में मिला सकते हैं। आप ये देख सकते हैं जब आपका रंग तैयार हो गया, आप एक पत्थर पर लगा के उसको कि भाई हाँ हमारा जो रंग है सीमेंट का और पत्थर का एक जैसा हो गया हो, तब आप उसको ठीक समझ के रोक दीजिए। फिर आप आगे की कार्रवाई अपने पत्थर को चिपकाने के शुरू कर सकते हैं। अब उसके बाद जो हमारी स्टोन की प्लेसमेंट्स हैं उसके नीचे जो हमने नंबरिंग कर रखी है, हम उन पत्थरों को उठाकर इस सीमेंट से हम उनको एक एक करके जोड़ते हुए चले जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग सीमेंट को जोड़ते जाएंगे ये पत्थर को उठा के उसके नीचे एक एक करके, ताकि ये स्ट्रक्चर आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक तैयार हो जाए। जब आप पत्थर चिपकाएंगे हो सकता है उसके साथ में छोटा बहुत एक्सेस सीमेंट आपका निकले, उस छोटे से इसको सीमेंट को आप अच्छी तरह से निकाल के साफ कर लें ताकि आपका बेस साफ रहे। और बाकी महीन चीज़ों को निकालने के लिए आप एक पुराने टूथब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप अब ये देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से टूथब्रश से, पुराने यूज्ड टूथब्रश से, हम उसके आसपास के सीमेंट को कंडक्ट करके साफ़ कर सकते हैं। ब्रश के साफ़ करने के बाद इस स्ट्रक्चर को आप सूखने दें, एटलीस्ट दो दिन कम से कम सूखने दें, हवा और पानी इसमें तराई करते रहें, ताकि जो चीज़ आपने चिपकाई है वो उस बेस में जो मार्बल ट्रे हमने यूज़ किया, वाइट मार्बल ट्रे हमने यूज़ किया है इसको, वो उसके साथ फिक्स हो सके। पेंजिंग बनाने की ये तो बस अभी शुरुआत है, इसका सफर तो काफी लंबा है और ये सफर चलेगा हमारे अगले एपिसोड में भी। जी हाँ, अगले एपिसोड में भी पेंजिंग से रिलेटेड देंगे कुछ और अहम जानकारियाँ। आज के एपिसोड में बस इतना ही, अगली बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।